जिला आबकारी अधिकारी रिचपाल सिंह बुर्डक का कहना है कि आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों का वर्गीकरण किया है। सेंसिटिव आधार पर शराब की दुकानों का वर्गीकरण किया जा रहा है। इसके तहत 1 नवंबर 2017 से 1 नवंबर 2018 तक यदि 150% से अधिक माल नहीं पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं कच्ची बस्तियों में लगी शराब की दुकानों पर हर रोज निगरानी की जाएगी। आबकारी विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है, उसमें मुख्य रूप से तो हमारे जो जितनी भी दुकानें हैं जिले में, जोधपुर जिले में, उनको सेंसिटिव आधार पे वर्गीकरण किया जा रहा है। तो उसमें जैसे ए श्रेणी का जो वर्गीकरण है वो हमारे पास में आ गया है, और उसमें मतलब 1 नवंबर 2017 के मुकाबले 1 नवंबर 2018 को जो स्टॉक है वो मतलब 150% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो उसका कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आती है कि जो कच्ची बस्तियाँ हैं, स्लम्स हैं, तो अपने यहाँ 8 दुकानें मतलब ये सेंसिटिव हमने की हैं घोषित, जिनमें लगातार रेड गस जारी कर रहे हैं। साथ ही वैसे अपने सी श्रेणी में वो दुकानें हैं जो आउटर एरिया में हैं, लेकिन अपने ज़िले में आउटर एरिया का मतलब जो मेन रोड से बाहर, जो हाईवेज के अलावा, तो और जो अपने जो MDR रोड्स हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, उन्हीं पर स्थित हैं सारी। तीसरी और चौथी जो चीज़ है वो है कि रोजाना की रोजाना अपने को अक्टूबर महीने के कंपैरिजन में 30% से ज़्यादा अगर सेल होगी तो उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।